किड्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आरआरबी एनटीपीसी रेलवे क्यूज 29 पार्ट्स। आप सभी को क्यूज स्टार्ट करने से पहले ऑल द बेस्ट। तो ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। संवेग संरक्षण जो है न्यूटन के द्वितीय नियम के बराबर होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले या नीचे की ओर त्वरित होने वाले। आपको बताना है किस लिफ्ट कब किस स्थिति में होगी तो व्यक्ति का भार सबसे अधिक होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में जो होगा किसी भी व्यक्ति का भार अधिक होगा, और जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन से आपके गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जड़त्व। किसी पिंड का वह गुणधर्म जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं उसे आप जड़त्व कहते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, या वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, या वेग का मान एवं दिशा दोनों नियत रहे, या वेग का मान एवं दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वेग का मान एवं दिशा दोनों नियत रहता है तब आप कहते हैं कि किसी पिंड का वेग समरूप होता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले और 3 kg द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2/3 joule। यहाँ पे आपका दिया हुआ है संवेग 2 newton second और द्रव्यमान आपका 3 kg, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लिख सकते हैं p² / 2m। तो यहाँ से आपका p दिया हुआ था 2, तो 2 का square 4, 2 into, और m का मान आपका 3 दिया हुआ है तो यहाँ से काटिएगा 2 2 जब 4, 2/3 joule। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र होगा एक दीर्घवृत्त, एक सीधी रेखा, एक परवलय या एक वृत्त। आप
आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक दीर्घवृत्त जब SHM से गुजरने वाली कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है तो वक्र एक दीर्घवृत्त होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है। आपके ऑप्शन हैं समान गति होती है, ऑप्शन समान वेग होता है, ऑप्शन सी है समान त्वरण होता है, या समान बल होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण जो होती है वो समान होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, या पृथ्वी पर गिर जाता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र से जाता है यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्प्रिंग का काठिन्य है, आपके ऑप्शन हैं स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, इस आधार के प्रति एकांक क्षेत्रफल भार, प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है। आपके ऑप्शन से न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, या न्यूटन थर्ड लॉ, या संवेग के नियम। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ई, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी की इकाई यूनिट बताना है आपको, न्यूटन मीटर प्रति केजी, ऑप्शंस बी है आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, थर्ड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या ऑप्शन डी न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, आपका जी का यूनिट होता है और जी आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका वैल्यू जो होता है आपका 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आवेग माप है, इसमें से किसको आवेग मापता है, द्रव्यमान का, गति की प्रमात्रा का, वेग का, या संवेग में परिवर्तन का।
आवेग जो है संवेग में परिवर्तन का माप करता है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बल का मात्रक है, केजी प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है बी आपका केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, थर्ड है आपका केजी मीटर प्रति सेकंड, या फोर्थ केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है कि बल क्या है, सदिश राशि या अदिश राशि। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका बल का मात्रक होता है, और हमने आपसे पूछा था कि बल आपका सदिश है या अदिश, तो बल आपका एक सदिश राशि है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना है एक माइक्रोन बराबर, ये लगभग अगर आपने शुरू से क्यूज देखा होगा तो 4-5 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये सही हो। बताइए एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर के बराबर आपका एक माइक्रोन होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तापमान का एसआई मात्रक आपको बताना है, जूल केल्विन वाट या कैलोरी, इनमें से कौन तापमान का एसआई मात्रक होता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी केल्विन। ताप का ऐसे ही मात्रक केल्विन होता है। अब बताइए ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, और ऊर्जा आपका कौन सी राशि है। तो ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक आपका जूल होता है, और ऊर्जा आपका जो है वो एक अदिश राशि है, और जूल जो होता है कार्य का भी ऐसा ही मात्रक होता है, और कार्य भी आपका एक अदिश राशि है। आपको बताना है शक्ति का मात्रक, वो भी आपके ऑप्शंस में है। शक्ति का मात्रक आपका वाट, और शक्ति आपका एक अदिश राशि। आपको बताना है 1 HP बराबर कितना होता है, 1 horsepower बराबर बताइए। ओके, तो 1 horsepower बराबर 746 watt। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पुन आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। ऑप्शन आपके हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ऑप्शन बी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, ऑप्शन सी है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, या ऑप्शन डी है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। आपको बताना है पुनः आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगी तब आपका पुनः आंतरिक परावर्तन होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी पूर्णांतिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। और आपका हीरे का चमकना
रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में परिविपरक नली का चमकीला दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब आपका पूर्णांतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल? योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रत्यानयन बल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, दिए हुए काल वेग, समय वेग यानी ग्राफ में मंदन का मान बताना है। नीचे आपका दिया हुआ है, टाइम, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेग। इधर आपका टाइम 2, 4, 6, 8 सेकेंड है, और ऊपर आपका वेग दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आपका वेग 50 और टाइम आपका 10 सेकंड। तो आपको बताना है मंदन। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा, ए बराबर वी बाई टी। तो वेग में परिवर्तन के दर को आप त्वरण कहते हैं, तो यहाँ से आएगा 50/10, कट गया, तो यहाँ आएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या केपलर? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेगुलर क्विज लगाते होंगे तो ये सब आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग का जितने आदमी हैं सबका आंसर सही हो। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या रैखीय संवेग का संरक्षण? योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रैखिक संवेग का संरक्षण। इस पे आपका जेट इंजन जो है इसी सिद्धांत पे आपका कार्य करता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9×1/9×3×1/3×। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1/9 हो जाएगी। आपका यहाँ भी जो था आपका 1/2 MVA² होता है, और यहाँ पे भी जो है उसको आपने क्या कर दिया, पहले शुरू में भी था लेकिन अब क्या हो गया, V/3 हो गया। तो भी की जगह V/3 पुट कीजिएगा, तो यहाँ से 1/2 M की जगह M और भी की जगह कितना रखिएगा, V^2/9, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1/MVA² एंड टू यहाँ 9×1/9 हो जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएगा?
योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वो एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्त काल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति झूला झूलने के क्रम में खड़ा हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा, जिसके फलस्वरूप लंबाई घट जाती है। इस कारण आवर्त काल घट जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करने लगता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। ये तो आपके क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे हुए हैं। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी। ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, ऑप्शन से आपके गतिज, स्थितिज, गतिज एवं स्थितिज दोनों या शून्य। वो आपका गतिमान वस्तु में था और यहाँ पे चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज एवं स्थितिज दोनों। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के क्यूज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन ए है आपका दोगुना, आधा, तीन गुना या एक चौथाई। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय आधा होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। ओके, तो इस तरह से आज का आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया तो उसमें आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और डेली का कम से कम लिखिए कि हाँ आप में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये लिखिए। और तब जाके आपको पता चलेगा कि वाकई में हम कितना सही बना रहे हैं। आप लोग सर को खुश करने के कारण अगर कोई आदमी ए भेजा ज़्यादा तो आप वही भेजने लगते हैं, या किसी ने बी मारा तो आप बी मारने लगते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ओके, आप अपने आप को आंकिए, ना कि सर को खुश कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।